अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू क्वींस फूड। क्या आप गेस कर सकते हैं आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? वैसे कर तो लेंगे क्योंकि सामने ही मकरोनी पड़ी और आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला मकरोनी। तो बहुत इजी क्विक रेसिपी है, आप बनाएं, स्टूडेंट्स बनाएं, स्पेशली यंगस्टर जो मेरे जैसे हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और फिर जब उनको भूख लगती है तो वो हंग्री बीस्ट बन जाते हैं, तो उनके लिए क्विक सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें और सबको इम्प्रेस करें। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने अपने बर्तन के नीचे ऑलरेडी आग जलाई हुई है, तो उसको मैं ज़रा सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, ये है 2.5 टेबल स्पून ऑयल का और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने ना इसका इसकी जो स्मेल है हल्की सी वो खत्म करना। इसमें हम डाल देंगे ये 1 स्मॉल प्याज है, इसको हमने चॉप किया हुआ है जैसे हम ऑमलेट में नहीं काट के डालते उस तरह। अब इसको हल्का सा सौते करने के बाद ना इसमें मैंने डालना है ये 3 से 4 मीडियम हरी मिर्च है, इसको आप गोल गोल काट लें और इसको हमने इसके अंदर डाल के बस इसको भी ऐसे हल्का सा ना भूनना है। तो ये ना बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ये मैंने हमने घर पे इन्वेंट की थी, कसम से हमने कहीं से भी नहीं देखी। बस ऐसे एक दिन बैठे थे घर में, ना कोई सब्जी पड़ी थी ना चिकन था, पर मकरोनी ज़रूर पड़ी हुई थी, तो हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए ना इसके साथ। तो फिर ये हमने शाहकार इन्वेंट कर लिया अपने घर का, जो बड़ी पसंद की जाती हमारे घर में। तो अब इसके अंदर ना यानी कि प्याज को गलाने के लिए ये ना मकरोनी जिसमें आप बॉईल करते हैं ना जिस पानी में, वही पानी आप सेपरेट करके रख लें और थोड़ा थोड़ा करके ना अपने इस में डालते जाएं ताकि ना जो हमारा प्याज है ना वो नरम हो जाए। तो ये क्या थोड़ा सा तो जैसे ही आप यहाँ प्याज में पानी डालेंगे ना तो हमने उसी वक्त अंदर ना एक चिकन क्यूब डाल देना है, चिकन क्यूब ये देखें कितनी मजे की वो चिकन की खुशबू सी उठ रही है, ये इसी चीज ने इसको इतना मजे का जायका दे देना ना। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, हमने कनोर क्यूब डाला हुआ है, अंदर जरा सॉसेस भी डालनी है जिसकी वजह से ना सॉल्ट जरा तेज हो जाएगा, हम एंड पे चेक कर लेंगे इसको। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून आपने भर के अंदर डालना है चिली सॉस, इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑस्टर सॉस। अच्छी तरह ज़रा ना ऐसे मिक्स कर लें ताकि सारी सॉसेस मिक्स हो जाएं। अब ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी बॉयल्ड मकरोनी, आधा पैकेट या 200 ग्राम हमारी बॉयल्ड मकरोनी है, ठीक है। इसको अब हम ना अपने इस ये जो हमने ये ग्रेवी सी तैयार की है इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये होगी हमारी मकरोनी तैयार, बिल्कुल ऐसे मज़ेदार सी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा सारा ना पार्सले धनिया डालूंगी जो ना इसको बड़ी मज़े की लुक और जायका देता है। ये देखें जी हमारी मकरोनी हो गई है तैयार, कितनी डिलीशियस दिख रही है। अब इसके ऊपर मैं दूंगी फाइनल टच, ये मैं डालूंगी इसके ऊपर लेमन, तो बड़ा खट्टा खट्टा और मज़ेदार टेस्ट देता है लेमन में। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। एक टिप है, जब भी मामा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं ना, एक मकरोनी का डब्बा और चिकन क्यूब ज़रूर लें साथ, ताकि आपका इंस्टेंट जो है ना रेसिपी आपको मिल जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर करना, हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।